दोस्तों ये बात तो आप जानते हो कि बॉलीवुड के इस सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का लाइव स्ट्रीमिंग हो चुका है हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और उसके साथ ओवरसीज में ये फिल्म रिलीज की जा चुकी है। यानी कि भैया अगर हम लोग बात करें इस फिल्म के रिलीज की तो आज इस फिल्म का पांचवा दिन है ओवरसीज में। तो दोस्तों इस फिल्म ने बाकी के चार दिनों में अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से। तो दोस्तों पहले दिन ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 35,77,000 का, यानी कि इंडियन करेंसी में मैं आपको आज रिपोर्ट बताने वाला हूं। उसके साथ न्यूजीलैंड में पहले दिन इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 6,05,000 का, यानी कि कुल मिलाकर इस फिल्म ने पहले दिन इन दोनों कंट्रीज के माध्यम से जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 41,67,000 का। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पहले दिन की, अब हम बात करेंगे दूसरे दिन की। तो दोस्तों दूसरे दिन इस फिल्म ने जो ऑस्ट्रेलिया में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो इंडियन करेंसी में है 54,93,000 का, यानी कि 54,53,000 का बिजनेस इस फिल्म ने दूसरे दिन किया ऑस्ट्रेलिया में। और वहीं पर अगर हम न्यूजीलैंड के कलेक्शन की बात करें तो दूसरे दिन न्यूजीलैंड के कलेक्शन से इस फिल्म को जो हासिल हुआ है बॉक्स ऑफिस पर कमाई वो है 10,03,000 का, यानी कि 10,03,000 का बिजनेस इस फिल्म ने दूसरे दिन न्यूजीलैंड के माध्यम से किया। और कुल मिलाकर अगर दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की बात करें तो इन दोनों कंट्री से इस फिल्म को जो बिजनेस मिला है दूसरे दिन वो है 64,96,000 का। तो दोस्तों ये तो बात हो गई दूसरे दिन की, अब चलिए हम लोग बात करेंगे डे थ्री की। तो दोस्तों डे थ्री पर इस फिल्म ने जो ऑस्ट्रेलिया में जो कलेक्शन किया था वो था 64,96,000 का। और वहीं पर न्यूजीलैंड में तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 11,79,000 का, यानी कि कुल मिलाकर तीसरे दिन इस फिल्म ने इन दोनों कंट्रीज के माध्यम से जो कलेक्शन किया था वो था 76,75,000 का। तो दोस्तों ये तो बात हो गई डे थ्री की, अब हम बात करेंगे डे फोर की, यानी कि इस फिल्म ने कल कितना कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस पर वहां पर यानी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, चलिए मैं आपको वो भी बताता हूं। तो दोस्तों इस फिल्म ने चौथे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है ऑस्ट्रेलिया में वो है 40,84,000 का, और न्यूजीलैंड में इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया है चौथे दिन वो है 8,97,000 का, यानी कि कुल मिलाकर चौथे दिन इन दोनों कंट्रीज के माध्यम से इस फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो है 49,81,000 का। यानी कि इन चार दिनों में इन दो कंट्रीज के माध्यम से इस फिल्म ने 2,33,00,000 रुपए का बिजनेस ऑलरेडी कर लिया है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया जिस तरीके का रिस्पांस राधे और मोस्ट वांटेड भाई को मिला है इन दिनों सिनेमाघर में, क्या आप इस रिस्पांस से खुश हैं? क्योंकि भैया ये फिल्म सलमान खान की फिल्म थी और अब तक सलमान खान की फिल्म को मेरे हिसाब से 30-40 करोड़ का बिजनेस कर लेना चाहिए था। यानी कि भैया उम्मीदों पर यह फिल्म उतनी खड़ी उतरती नहीं नजर आ रही है जितना कि इस फिल्म से उम्मीद किया गया था। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।